ये मैंने आज साबूदाना की ये पुडिंग बनाई है। ये देखिए, नवरात्र के दिनों में आप इस तरह से शरबत के जगह पर इसे ले सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। वेलकम बैक टू माय चैनल थम्स किचन। थम्स किचन में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, रेसिपी शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की आसान और स्वादिष्ट रेसिपी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। ये मैंने एक बर्तन में 1 कप साबूदाना लिया है और इसे रात भर पानी में भिगोकर रखा था। ये देखिए, अच्छी तरह सोख हो गया है। अब ये जो बचा हुआ पानी है इसको फेंक देंगे और एक बार धो लेंगे इसे। इससे साबूदाना का पुडिंग और भी स्वादिष्ट बनेगा। अब दूसरी ओर एक बर्तन लेंगे। इस बर्तन में मैंने 2 गिलास के लगभग दूध लिया है। 1 कप साबूदाना के लिए मैंने ये 2 गिलास दूध लिया है। अब इसमें 1 छोटा गिलास चीनी मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब इसे एक अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू के लिए इसमें मैंने कुटी हुई इलायची मिलाई है और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मिक्स कर लिया है। अब इसमें सोख किए हुए साबूदाना मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा कर इसमें साबूदाना मिलाएं, पर इसमें मैंने हाफ साबूदाना ही मिलाया है और हाफ अलग रखा है, जो कि हमें गार्निशिंग में काम आएगा। अब इन साबूदाना को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे 1 उबाल आने तक पकाएंगे। इसे सीम फ्लेम पर पकाना है और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब ये साबूदाना है। ये प्रोसेस ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हाफ भागों में बांटने के बाद इसमें एक में मैंने ऑरेंज का फूड कलर मिलाया है और एक में पिंक का फूड कलर मिलाया है। अब इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट तक हमें भाप पर पकाना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से भाप पर पकाएं और ये 2 मिनट हो गए हैं और ये साबूदाना भी हमारा गार्निशिंग के लिए तैयार है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक बर्तन में मैंने 1 आम लिया है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमें काट लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से काट लें। नवरात्रों में आप इस तरह से बहुत ही यूनिक सी साबूदाने की पुडिंग बना सकते हैं और फ्रूट और साबूदाना कॉम्बिनेशन बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और आपको बेहद ही पसंद आएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से चौकोर आकार में काट लें। ये देखिए, आम को मैंने इस बर्तन में रख लिया है। अब 1 गिलास लेंगे। इस गिलास में फ्रिज से निकला हुआ ये ठंडा साबूदाना डालें और उबले हुए साबूदाना से गार्निश करें। थोड़े से आमों के साथ गार्निश करें और थोड़ा सा नट्स भी डाल दें। इसी तरह की यूनिक और स्वादिष्ट रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।